चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रख दी। भगवान श्री राम की वनवास स्थली चित्रकूट में अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। राम घाट के पास स्थित मदगंजन जी का मंदिर भी प्राचीन है। इसमें स्थापित शिवलिंग का शिव पुराण में कुछ इस प्रकार वर्णन है। नायवितम सामुदेशी न ब्रह्म सदशिपुरी यज्ञ वेदी स्थितात्र त्रिशुद्ध धनुषमायता, अर्थात ब्रह्मा जी ने 30 धनुष के आयात में जगह लेकर 108 कुंड बनाकर यज्ञ किया था, फलस्वरूप उन्हें शिवलिंग प्राप्त हुए। वही शिवलिंग मंदिर में स्थापित है। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास के लिए चित्रकूट आए तो इन्हीं से आज्ञा लेकर चित्रकूट में 11.5 वर्ष व्यतीत किए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा पर चित्रकूट के पवित्र पर्वत पर यज्ञ किया था जिसमें शिवलिंग निकला। यही शिवलिंग मंदिर में स्थापित है। यहाँ जल अभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बताया जाता है कि जो मनुष्य प्रातः काल में मां मंदाकिनी में स्नान करते हैं तो उनके सभी पाप मिट जाते हैं। हर अमावस्या को यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और सब पुण्य प्राप्त करते हैं। मां मंदाकिनी चित्रकूट वासियों के लिए जीवनदायिनी है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट तीर्थ स्थल का सबसे प्रमुख तथा सबसे प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं तथा नंगे पैर 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हैं। कामतगिरी के मुख्य देव भगवान कामतानाथ हैं। कामत भे गिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहर्ष विषादा, इनके दर्शन और परिक्रमा मात्र से दर्शनार्थी श्रद्धालु के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इसे कामतगिरी कहते हैं। इस गिरिराज का यूँ तो बहुत महत्व अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन भगवान राम द्वारा वनवास अवधि में भ्राता लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता के साथ यहाँ प्रवास करने पर इसकी महत्वता और बढ़ गई। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी की जन्मस्थली यही चित्रकूट जिले में। लिखा अब वहाँ 40 बीघा बाबर नरहरिदास की भूम है गौरव। तो मेन कहा आप क्या मानते हैं? तो मेन इसलिए बनाई गई दे लेकर के कि 40 बीघा की कीमत बहुत बड़ी होती, तो वो उठा करके अदालत में पेश किया कि ये है मुख्य। लेकिन जब रामायण में लिखा जो रामायण के मानने वाले वो राजापुर माने, नहीं जो अभी एक प्रमाण दे रहे थे कि कौन सा प्रमाण है दो, ये अब पीपल का पेड़ है बता रहे थे अभी। अब अच्छा ये मेन प्रमाण है पूर्व दिशा का इंद का पहना है यहाँ भगवान जब राम रहे। इंद का है साकेत वन, वन में साकेत वन नाम, और यही सुपर क्षेत्र है ये जो हनुमान धारा वाला क्षेत्र का नाम ले तो सुपर क्षेत्र, वन का नाम ले तो साकेत वन है यहाँ से वहाँ तक। लेकिन अब सुनने वाला कौन है, मानने वाला कहाँ? एक जगह के 10 प्रमाण बना दिया, अब के लोगों ने पढ़ लिख करके इधर का उधर छापा करके है अपनी अपनी योग्यता झलकाई तो बहुरंगा हो गया। अब किसी का दिमाग देता नहीं कि क्या असलियत क्या है।
जो जिसकी बुद्धि है भगवान के देने के हिसाब उसी में ढलता है, ना उसके विवाद है। ऐसे जो आप ये कह रहे हैं चित्रकूट देख रहे हैं पर्वत, इसको लोग कामदगिरी कामतालाब कामदगिरी कहने लगे। कामदगिरी कामतालाब का कहीं उल्लेख है नहीं शास्त्रों में, कि है कहीं कहीं नहीं उल्लेख कामदगिरी। भगवान राम जब यहाँ आए हैं वनवास काल में तो वाल्मीकि से पूछा मैं कहाँ रहूँ, उन्होंने कहा चित्रकूट गिर कर रहूँगी वहाँ से। इसका अनादि नाम तो रामचरितमानस में चित्रकूट का वर्णन है, और पुराणों में भी स्वर्णकूटम रजताभिकूटम माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम शरण प्रपद्य पुराणों में भी चित्रकूट का ही उल्लेख दिया रहा, सभी रत्नों से सुसज्जित ये पर्वत है। तो कामदगिरी कैसे बना? कामदगिरी इसलिए इसका नाम पड़ गया, भगवान 13.5 साल यहाँ बिताया वनवास काल में, हर मनोकामनाओं की पूर्ति करने का इसको विशेष एक पावर मिल गया। कामदगिरि भय राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा, सभी विषादों को हरण करने वाला, सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कामतानाथ। तो भगवान राम जब यहाँ से जाने लगे तो इस पर्वत ने कहा कि महाराज आप जब चले जाएंगे तो मेरा महाकुंभ भी उसी तरह का हो जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं घबराओ नहीं, इस बार तो हमसे भी ज़्यादा तुम्हारी पूजा होगी। वही हुआ, भगवान ने इसको सीधे एक थानेदार से इसको सीधे मान लीजिए SP बना दिया, ऐसा इसको पावर दिया। इस तब से लोग इसको कामदगिरि कामतानाथ कहने लगे।